कथा वार्ता में हरिशंकर परसाई का व्यंग्य भोला राम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वह बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूट कर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई, भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वहां की समस्या तो कभी की हल हो गई। मुनिवर नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी में नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वही कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स का बकाया तो नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। नारद बोले, मामला दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की, उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था।
इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज पांचवा दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया हो, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था, फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी मां, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वह अपने मुद्दे पर आए, माँ यह तो बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, तुम साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही भ्रम हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई, वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाकर कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे, बाहर चपरासी ऊंघ रहा था इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है, साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीत रिवाज नहीं जानते, असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है, आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई
सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन कार्ड निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। हरिशंकर परसाई का व्यंग्य भोलाराम का जीव, कथावार्ता की प्रस्तुति। कथावार्ता में हरिशंकर परसाई का व्यंग्य